तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जब बलगम में ब्लड आना शुरू हो जाता है, खांसी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है, खांसते समय आपको ब्लड आ रहा है। तो जनरली देखा जाए तो एज ए एलोपैथिक आप देखेंगे कॉजिटिव फैक्टर्स जानने बहुत ज़रूरी हैं कि किस वजह से ब्लड आ रहा है पेशेंट को, क्या क्या कारण होते हैं, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। उनको कैसे फाइंड किया जाता है उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया था। आज के वीडियो में आपको मिलेगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और ये काफ़ी अच्छा है जिन लोगों को खास करके पुरानी परेशानी है, क्रॉनिक कफ वाली प्रॉब्लम है और इस तरह की समस्या हो रही है कि उनको ब्लड आने लगा है। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग करके ही सबसे अच्छी मेडिसिन पेशेंट को दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छी कॉमन मेडिसिन है और सिंगल सिम्टम्स पे आपको मेडिसिन मिलेंगी, क्योंकि देखा जाता है होम्योपैथी में तो लगभग 197 मेडिसिन है इस वाली परेशानी के लिए। हम देखते हैं एस्पेक्टोरेशन ब्लडी कि जो निकल रहा है, जो बलगम निकल रहा है वह ब्लडी है, तो उसमें देखते हैं 197 रेमेडीज़ हैं। तो इन 197 रेमेडीज़ में आपकी कौन सी रेमेडी है ये एक अच्छा डॉक्टर ही फाइंड कर सकता है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर फाइंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं 6-7 मेडिसिन आपको बताऊँगा, देखिए आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं मेडिसिन से तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन में आपको एक सिम्टम मिलेगा और होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको नाम मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको ब्लड आ रहा है खाना खाने के बाद, ईटिंग आफ्टर आपको एक्सपेक्टोरेशन हो रही है ब्लडी, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक की CPM मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जितनी भी मैं मेडिसिन बताऊंगा इनकी क्या डोज लेनी है इसको मैं लास्ट में डिफाइन करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको खाना खाने के बाद ब्लड आता है, मोस्टली ब्लड आता है खाना खाने के बाद ही ब्लड आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको CPR-30 मेडिसिन यूज़ करनी है। और इसी तरह से देखा जाए कि हम जब कुछ पीते हैं, ड्रिंकिंग आफ्टर आपको ब्लडी स्पूटम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की कल्केरिया कार मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और देखा जाए एस्पेक्टोरेशन, अगर आपको ब्लडी है और ख़ास करके ब्लैकिश है, ठीक है, काले से रंग के आपको आनी शुरू हुई है, तो होम्योपैथी की इसमें आपको ELF-30 पोटेंसी में आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। जितनी मेडिसिन है इनके नाम में आपको साइड में लिखता रहूँगा, आपको बस थोड़ा ध्यान से सुनना है कि किस कंडीशन में, किस सिम्टम में, किस रूब्रिक में मैं आपको क्या मेडिसिन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लैकिश में आपको ELF मेडिसिन यूज़ करनी है। अगला आता है कि ब्लूइश कलर, क्योंकि होम्योपैथी में कलर के हिसाब से भी हम मेडिसिन देते हैं, जहाँ पे सिम्टम्स नहीं मिल पाते हैं, प्रॉपर पेशेंट सिम्टम्स को नहीं डिफाइन कर पाता है, तो सिंगल मेडिसिन जहाँ पे हमें दिखती है तो पेशेंट जो हमें कलर बता रहा है तो उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं, तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा राम मिल जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर ब्लूइश कलर का, नीले से रंग का अगर पेशेंट को बलगम आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, ब्लडी से आ रहा है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक की Conium-30 मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से इस तरह की प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं, तो क्रॉनिक कंडीशन में ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन में होम्योपैथी में एक ही मेडिसिन है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अगले सिम्टम, अगले रूब्रिक की हम बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, काफ़ी पेशेंट्स के साथ होता है कि वह जब भी गला साफ़ करते हैं, ठीक है, खराश हुई है गले को थोड़ा ज़ोर से साफ़ करते हैं तो तुरंत से ब्लड उनके मुंह में आ जाता है, स्पूटम में आ जाता है, एक्सपेक्टोरेशन में आ जाता है। तो इस तरह की समस्या में होम्योपैथी में एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, एंटी हेमरेजिक रेमेडी हम बोल सकते हैं इसको, तो Ammonium-30 के नाम से आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार इस तरह की समस्या हो रही है कि गले में आप साफ़ कर रहे हैं तो आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है। और महिलाओं में मेंसेस ड्यूरिंग और मेंसेस बिफोर में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगली कंडीशन आती है दोस्तों, इसमें अगर आपको हूफिंग कफ है और काफ़ी लंबे समय से है, खांसते खांसते आपकी जो है कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, लगातार में खांसी उठती है, ठीक है, प्रॉक्सिमस उठते हैं इस तरह से कि लगातार में आपकी जो खांसी रुकती नहीं है, तो इसमें आपको जो ब्लड भी आना शुरू हो गया है कि मुंह से खून आ रहा है खांसते खांसते, ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की कोरेलियम रूब्रम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है दोस्तों, काम करते समय कोई भी आप काम कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, ब्लड आना शुरू हो गया है, तो ऐसे में आप होम्योपैथी के मर्क सॉल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं ये सारी सिंगल मेडिसिन है सिंगल सिम्टम्स पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी मेडिसिन है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जो मैं मेडिसिन मैंने आपको बताई है सारी सिंगल मेडिसिन है एक सिम्टम पे। और तो अगर आपके अंदर ये कोई भी सिम्टम्स मिल रहा है, आप ये मेडिसिन लाएंगे आपकी परेशानी 100% ठीक हो जाएगी, अगर आपके थोड़े बहुत और सिम्टम्स मैच कर रहे होंगे मेडिसिन से।
और इसी के साथ आपने कॉमन मदर टिंचर और लेना है। कॉमन मदर टिंचर का मीन्स जो कि एंटी हेमरेजिक है, खास करके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं ब्लडी, तो आप इसमें होम्योपैथिक की मेलिफोलियम मदर टिंचर ला के यूज़ करें। आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं मिल रहा तो आप इस मदर टिंचर को ले आइए, होम्योपैथिक मदर टिंचर है। और ये जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी दोस्त नीचे पूछते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ पर मिलती हैं, तो ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आपको मिलेगी। मेरी सलाह यही होती है हमेशा कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, तभी आप उनसे जाके आप मेडिसिन लें। तो होम्योपैथी की मेलिफोलियम आप मदर टिंचर लाइए, इसकी 20-20 बूंदें दिन में 3 बार आप यूज़ करें, 15-20 बूंदें आधे कप ताजे पानी में खाना खाने के बाद। ये एंटी हेमरेजिक रेमेडी है और हमारे शरीर के किसी भी आउटलेट से ब्लड आता है ये उसको रोकने का काम करती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बता दी है सारी कंडीशन होम्योपैथिक की, और आपके सिम्टम्स इनमें से नहीं मिलना है तो आप मेलिफोलियम ले आइए, और सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप पास के होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए। परेशानी आपकी गंभीर है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ना लेके इमरजेंसी में आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें, मेरा आपसे ये सजेशन है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।